अच्छा वो कभी किसान आंदोलन में भी गए वहाँ दिल्ली में? वो कोई ऐसी बात जिसको आपको लगता हो, जैसे ही मेरे को बता रहे थे भाई तुम मुझे बताओ एक बार जरा क्या बात भाई के इस घटना के बाद जब ये हो गया उसके बाद कोई परेशानी गांव में कोई कुछ कह रहा हो वो बात करना चाहते थे हमारे लोग जो है सब कुछ कर सकते हैं। देखो वो गुस्सा हो सकते हैं, उनको भूख हो सकती है तो वो अपने पेट की भूख के बारे में सोचते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी नहीं करते। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ झूठ? तलवार के नोक पे वैसे भी आदमी जो वही बोलता है जो बुलवाया जाता है। जब चली गई प्रशासन के लोग थे, उन्होंने डीजल 2-4 लीटर डीजल मंगवाया, डीजल मंगवा के रात को ही देने में तो संस्कार हुआ। घर वालों को किसी को शक्ल नहीं दिखाई गई, ना बच्चों को, ना उसकी घरवाली को, ना इसको, ना पिता। ये वही लखबीर जिसके ऊपर बेअदबी का इल्जाम लगाया गया और उसके कमरे के अंदर कमरे में बल्ब नहीं है, ये निराकारी है, कमरे में बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है, परंतु आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बाबा फरीद जी भी है, बाबा फरीद की है, पीर वगैरह है, बाबा फरीद धन निरंकार की महाराज जी साइड पे ये कैसे है? मेरे माँ प्यो का घर है, मैं नहीं छोड़ा। सुनो, रोने से कुछ नहीं होगा, आप दुख मत बनाओ, हम भी तो आपके ऐसे ही रखो और हम आपको बहन मानते हैं, यहाँ आए आपके दुख बांटने और आपको विश्वास दिलाने के। ऐसा थोड़ा कि आपको कोई नहीं, हम सब लोग बहन होते हैं, आप आवाज लगा के देखना तो आज रात बिल्कुल नहीं, आप रोना नहीं भूलना। हमने तो यही सीखा है, जिसको भी परेशानी होगी और जो भी परेशान होगा या जिसको भी जरूरत होगी हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं, रोना नहीं है, मैं चुप हो जाओ। तो ये जो गुरुद्वारे का उनके बारे में बता रहे हैं, गुरुद्वारे जाना था, यहाँ नहीं आते थे गुरुद्वारा, गए नहीं, नशा पत्ता करता ही बारों बस एकदम अथू मिता दे गुरुद्वारे साहब ते कदे अंदर गया ही नहीं, अंदर नहीं गए ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਮਤਾ ਪੜਿਆ ਸੀ,
कोई आपके पास। एज कितने दिन की? उम्र उम्र 30 साल की होगी। सर पच्चीस साल की नहीं, 30 दी होगी। बड़ी बेटी कितने साल की है? 13 अगर 13 साल की है तो फिर तो उनकी उम्र ज्यादा होगी। उदो मेरी भैन जींदी ही ते ओने ते चा ना व्याया भी चल छोटा ही मिल जाए। कितने साल का व्याया होगा आपने? एहो ही 20 साल का बंदर ही। जवान थे कोई ऐसा नहीं, कोई ज्यादा उम्र थी? छोटा मुझसे छोटा। अच्छा वो कभी किसान आंदोलन में भी गए वहाँ दिल्ली में? दिल्ली में आया करनी है आप तो इनके साथ रही इतने दिन, आप तो पिता है आपने। मैं तो नहीं मानता, हम सब लोग गुरु गोविंद साहिब का जो है ना सम्मान करते हैं। क्या हमारा आदमी कभी ऐसी बेदबी कर सकता है गुरु गोविंद? मैं तो नहीं मानता कभी। हम तो बचपन से इसी कल्चर में बड़े हुए, हमारा आदमी तो सर ढके बगैर नहीं जाता गुरुद्वारा। वो कोई ऐसी बात जिसको आपसे लगता हो, जैसे ये मेरे को बता रहे थे भाई, तुम फोन लखबीर जिहड़ा परिवार ने दस्या सारी गल। क्या कुछ है ऐसी बात? फोन ते जो फोन लेके आंदा ही मुझे बताओ एक बार जरा सा क्या बात है? जदों फोन लेके आउंदा ही जारा दोस्तां दा, बस एही आवाज आउंदी ही कि संधू साहब बोलदे। ते जद मैं पुछदी ही ते कहंदे तू की कहना बुआ, तो की बात करदा ही संधू कौन आ, बस एही मैं ओहदे मुंह सुनदी। तो उसके पास तो फोन होगा? संधू से बात करते थे। क्या कह रहे हैं कि पैसे वैसे आ जाएंगे कुछ दिन में? भाई के इस घटना के बाद जब ये हो गया उसके बाद कोई परेशानी गांव में कोई कुछ कह रहा हो? नहीं 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 है। पर जे बंदा गलत होने कल आप गल कर रहे भी वो कह रहे जी असि अंतिम अरदास नहीं हो संस्कार नहीं सी करन देना। मर्जी मेरे मुंह ते नहीं आख्या, मेनू होर कई शख्सा दसिया पिछले पिंड मेरा पिंड है कलसर
मैं लत वी दिखाई ओनू कुशहरा पाया दिखाया ओदा गुट वड्या टंगिया दिखाया जेड़ा काम करदा सी नहीं दिखाया फिर आख्या खालसा जी मेरी जम जाते मेरी भैन ना गल करा दो फोन थोड़ा ही पढ़िया ही नौ जमाता पढ़िया ही नंबर जानता ही जे ओ करा दें उसके सिवा मेरा कोई नहीं है ओदी गल ही नहीं सुनी बाकी फिर ओना ने आख्या जहदार जी मैं एक होर गल कर पूरा घेरिया ना घेरिया मैं इथो मेरे ना घेरे गए मैं भी मेरा ही साइकिल दो मेरे पोते ही एक मेरा पुत भट्ठे तो साइकिल लेके पैसे लेन गया उन्हें इटा पाइया दूजे पुत चाहता उन्हें बाहर साइकिल लाया तो मैं क्या साइकिल लेके चल गया ये गल मेरे भरा रही गया तो बहर निकल तुम साइकिल लेना वो ठेकेदार कहता आया सरदार सरदार जी इतने मैं साइकिल लाया ही साइकिल वो रख लो जी उन्हें फेरिया दूजा कैमरा तो आंदे ओ जाता ही कौन आ सारे बंदे भी चंगे नहीं होंगे सारे माड़े भी नहीं होंगे फिर मैं हर तरह का आदमी होता है मैं शताब्दी आख्या साहब मैं तुम ये गल दसो जो उन्हें सिंधु बार्डर ते जाके दिल्ली जाके कोई घटना की थी ते उथे कैमरा कोई नहीं 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 बापू एक उधर नवे नवे गए आ एक इधर आ कैमरे लोग आओ ना मैं तुम कितो आए जे अही ने कोई सोहे हाँ कोई अही ने ताडे दुख वंडन आए हाँ अही सानू पता लगा दे अही ने की पहले तो ये भी बात कही जा रही है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं थे वो सर्वलोक दसवां ग्रंथ जो है ना सर्वलोक ग्रंथ की जो है पोथी थी वो बता रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता कि कोई हमारा आदमी गुरु ग्रंथ साहिब की वेद भी कर सकता मैं नहीं मानता मैं किसी कीमत पे नहीं मानता क्योंकि हम तो इस बात को हम तो देखते आ रहे हैं हम इतने दिन से पंजाब आते हैं हम तो इस बात का वो करते हैं हमारे लोग जो है सब कुछ कर सकते हैं देखो वो गुस्सा हो सकते हैं उनको भूख हो सकती है तो वो अपने पेट की भूख के बारे में सोच सकते हैं लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की वेद भी नहीं कर सकते आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ झूठ है
सर कहे ना कहेंगे पूरा प्रूफ मेरा भरा मेरे नाल रहिंदा मैनूं खुद पता भी ओदां दे काम नहीं कर सकदा मैनूं खुद मैं गुरु ग्रंथ साहिब ते हाथ रख के कह देनी आ भी मेरा भरा इहो जी बेदबी नहीं कर सकदा ओनूं साजिश नाल खड़िया जदों कहन दिया ही भी मैनूं थल्ले तारो मैं तुहानूं दसदा मैनूं किन्ने भेजिया ओदी इक दी सुनी इन्हां ने मौका नहीं दिता बार करन दा थले देखनु थले तार दे ओनू अजे दस नहीं मैं तो ये सोचता हूँ ना उनको चाहिए था कि भाई ये आदमी यहाँ कहाँ से आया हाँ। तो ये चलो हमने इसके साथ ये कर दिया लेकिन हम इससे पूरी बात तो जान ले कोई और भी हो सकता है यहाँ इसके साथ में हाँ। उनको ये बात जाननी चाहिए थी अगर उनकी दिलचस्पी इस बात में होती कि भाई ये आदमी क्यों ऐसा कर रहा लेकिन उनकी दिलचस्पी इस बात में थी नहीं तो पूछने का प्रयास करते आप चाहती है इसकी जाँच हो पूरी अच्छी उसके बच्चों के क्या हाल है देखो ऐसा झूठ के पैर नहीं होते और सच को आंच नहीं होती मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता बिलकुल जो कह दिया मेनू सच सचाई दस लैन दो तलवार की नोक पे वैसे भी आदमी वो ही बोलता है जो बुलवाया जाता है जब चल ही गई आखना ही मेनू थले तारो मैं सब कुछ हजे जिथे गल लड़ी आना जी जेडी अंतिम अरदास जिहड़ी आपां कह दिंदे भोग ओह हजे पैण चढ़चन पै रही है जिथे दुनिया कह रहियां ने भी असीं पिंड दे विच इहदी अंतिम अरदास नहीं हुंदी ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਇੱਕ ਪਾਂਚਵੀਂ ਮੇ ਇੱਕ ਸੱਤਵੀਂ ਮੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਵੀਂ ਮੇ ਤੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸੋ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰੇਪ ਕਰਤੇ ਹਨ ਤਮਾਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ੇ ਕਰਤੇ ਹਨ ਉਨਕੇ ਤਾਂ ਹੋਤੇ ਅਭੀ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਅਭੀ ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ किसने बेदबी के हम शर्त लगा कह सकते नहीं कर सकता हमारा आदमी ठीक है ना तो ये सब चीजें ना ये जाती है जाती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ में और सर यहाँ से 600 किलोमीटर डिस्टेंस है 600 किलोमीटर हाँ तो हमें आने में देखो रास्ता चले में इतना समय लग गया ठीक है वो आदमी कैसे पहुंचा वहाँ कॉल लेके गया किसने उसको ये सब चीजें जो है ना कही या किसी और ने करा किस तरह से उसके साथ ये हुआ ये तो जब तक जाँच नहीं होगी तब तक जो है ना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये जब तक जाँच नहीं होगी तब तक नहीं पता लगेगा लेकिन मुझे इस बात का पूरा हुआ है हमारा आदमी जो है ना अपनी गर्दन कटा सकता लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की बेद भी नहीं कर सकता नहीं कर सकता 50 रुपए में तो नहीं बॉर्डर पे जा सकता नहीं जा सकता 500 में भी नहीं जा सकता नहीं जा सकता और 50 रुपए ये तो सिर्फ जान जान का पाठ चबा दिया नहीं तो एक सवाल ये भी तो है ना आप इतने जो जिम्मेदारी की जगह है आप जिस आदमी को अननोन को जानते हैं उसको कैसे रख ले रहे हो वहाँ कैसे रख लिया उसने जो कशहरा पहन रखा था ना जी वो निहंग सिखों के बाने में आता है हम लोग अंडरवियर पहनते हैं निकर पहनते हैं वो जो कशहरा पहन रखा था ये भैन जी नॉर्मली घर च कशहरा पाता सी नहीं पाता सी नहीं पाता
पुलिस प्रशासन के लोग थे, उन्होंने डीजल 2-4 लीटर डीजल मंगवाया, डीजल मंगवा के रात को ही देने में तो संस्कार हुआ है। घर वालों को किसी को शक्ल नहीं दिखाई गई, ना बच्चों को, ना उसकी घरवाली को, ना इनको, ना पिताजी को शक्ल दिखाई। कस्टडी में हुआ, पुलिस कस्टडी में हुआ, कल हमारे को मिलके गए हैं वो, उसकी घरवाली भी यही थी, उसका 16 साहब भी थे और बेटियां भी थी।